आइए एक अनमोल भजन स्पेशल, और स्पेशल जितनी भी मेरी बहन मने सुने हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या मैं जहां भी जागरण करने के लिए लाइव जाता हूं मेरे सामने बैठकर सुने उनसे सबसे हाजिर के प्रार्थना है बेबे। अक्सर मैं बाण भाई के भजन गाता हूं, आपको पता है आप पसंद भी बहुत करती हो। एक स्पेशल भजन गा रहे हूं बेबे मैं तारक खातर। मैं कोई भजन ही कोई गायक कलाकार नहीं, क्योंकि गाना तो बहुत बड़ी चीज होती है, मन गाना तो अंधा है को नहीं। धन्यवाद अनिल जी। लेकिन ये मेरे मन के भाव हैं। पहले अभी बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया कि मेरे माजाई बाण सात हैं, धर्म की बाणा का घाटा नहीं, तम भी मेरी बाण हो गए ब्याड़ा सुन नारी हो सारी की सारी लाड मैं यारी हो तमें। तो एक प्रार्थना मैं आप सबसे करना चाहता हूं, जितनी मेरी बाण मैंने आड़ भी सुन लाग रही है और इस वीडियो के माध्यम से भी जो देख रही है बेबे, इसने भजन ना सोचियो। मैं तारे तो उम्र में छोटा बेसकू, लेकिन एक बात आज अपनी आत्मा की तरह से मैं कहना चाहूं बेबे, इन पल्ला गांठ लाइयो। जो भले घर की बेटी होगी इन बातों न मानेगी, और बेबे जो नहीं होगी उसका कोई इलाज नहीं है। बेबे जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है वो तो माँ बाप से है, लेकिन जिस घर में आप ब्याह ली जाओ हो ना मेरी बाणो, वे थारे धर्म के माँ बाप हैं। और हमारे ऋषि मुनि योगी संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी बड़े बुजुर्ग एक बात कहते आए हैं, धर्म सब तो ऊपर हो है, जो धर्म के माँ बाप तारे बने हैं बेबे उनकी सेवा जरूर करियो। न्यू ना हो जिस माँ बाप ने जन्म दिया उनकी तो खूब सेवा करो, और सास ससुर का ठोकर मारो गलत बात है बेबे। अगर तुम्हारी सास नहीं होती, तुम्हारे ससुर नहीं होते, तो तुम्हारे इस मांग में लाली नहीं होती, सुहाग नहीं मिलता तुम्हारे को। तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हारे को पति दिया है, जिसकी बदौलत आपको बेटा मिला है बेटी मिली है, फर्ज बनता है बेबे अपने सासू ससुर की सेवा करियो। हाजुर की प्रार्थना, और सासू ससुर ते भी हाजुर की विनती है, चाचे ताऊ चाची ताई जो भी मन सुन लाग रही वीडियो के माध्यम से, तामे भी मन मिला के रहा करो, सेवा भी जब होगी फिर मजा को नहीं आता है ना। कई बारी क्या होता है एक हाथ से ताली नहीं बजती, किसी घर में बूढ़ा बूढ़ी ऊत हो जाए सेवा क्यों कर करें बेचारे बहु छोरे, और किसी घर में ऐसा भी हो जाएगा बहु छोरे घटिया हो जाते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते। मैं तो दोनों पक्ष तनियों को भी मन में लाकर आग्रह, और स्पेशल मेरी बाण हो तरत एक बात कहना चाहूं क्या, सेवा करिए बहन तू सेवा करिए धर्म के अंदर। न्यू ब्याह को नहीं होता, पंचायत बैठी होती है, हमारे पक्ष के वर पक्ष के भी होते हैं, वधु पक्ष के भी होते हैं, सारा कुर्बा अपना भी होगा, सारा कुर्बा अगले का भी बराती बन के आता है, रिश्तेदारी भी सारी इकट्ठी, कहने का मतलब क्या पूरा समाज जुड़ता है जब फेरे हुए हैं। और फेरा में पंडित जी महाराज सात वचन सुनाया करे, मेरी ख्याल में आजकल सुनते नहीं वचना दे दो, सुनया करो नरा डीजे बगा तोड़ने में कुछ नहीं दे रहा, उन वचना ने सुना करो जब एक पंडित जी महाराज फेरे करवाते हैं, और जो वो सात वचन सुना हुआ है ना, बस वह मेन चीज हो है ब्याह में, और कुछ नहीं होता, वही है मेन। वह जो सात वचन पे तमूड़े भरो हो ना समाज के बीच में, वह जुबान दे ही जाती है कि मैं जुबान देती हूँ, जो जो वचन मैंने भरे हैं इन पर खरी उतरूंगी। वह वर पक्ष की तरफ से भी होते हैं और वधु पक्ष की तरफ से भी होते हैं बेबे, जो तना जबान दी है ना उस पर उस जुबान तक फ्री है ना खरी रही है। एक बढ़िया भाई नंबर एक पर क्या कहता है करी से लोगा बीच जुबान बहन तू
सब तरह का वक्त आता है बेबे सुनियो ये सारी की सारी। कई बार जिंदगी में गरीबी भी आ जाकर और कई बार भगवान की घनी कृपा हो जाता है तब ज्यादा अमीरी भी आ जाकर। पर धन कहने से मैं ए मेरी भाणो धन्यवाद जी धन कहने से मैं बेबे कदे धन में इसी गलतान हो जाओ आदमी ना आदमी नहीं समझो कदे घमंड में पाटन हो जाओ दो पीछे किसी का फालतू हो भी जा रहा कोई बड़ी बात को नहीं क्योंकि किसी का ब्योत नरम है किसी का ब्योत गरम ये तो चलता रहे है न्यू कोई बड़ी बात नहीं। बेबे जे घना सुख भी दे देना ओ भगवान ता घमंड में ना भरियो नंबर दो पर कैसे दिखा समय मिले तो किसे का मत करियो अपमान भक्त की हवा निराली है बहुत अच्छा भजन है। बेबे एक चीज तो डरियो सच्चाई बोल के तो कदे डरियो ना डरना है तो एक चीज तो डरियो बुराइयों से और किसे का अपमान करना तो डरियो ये भगवान मेरे पैसा कोई कर्म ना करवाइए जिस तरह किसे की बेइज्जती करूं बस यह चीज पल्ला गांठ रखियो जिंदगी में कभी मार नहीं खाऊंगी किसी का अपमान मत करना डरना तो बुरे कर्म तो डरो घनघरे लोग हमें भगवान तो डरू अरे वो तुम्हारा पिता है वो तुम्हारा बाप से बाप तो डरिया करे कोई अरे पिताजी से कैसा डरना वो तुम्हारा बाप है हमारा पिताजी है भगवान तो डरने की जरूरत को नहीं पूरे कर्मा तो डरो पापा तो डरिया करे कोई बता बाप तो वो डरेगा तू खोट कर रहा होगा कदे तेरा पापा तेरा थप्पड़ मारे जे पूरे क्रम तड़ो के खोट होए कोई ना भगवान के साथी बनो भगवान के मित्र बनो परमात्मा की आराधना करो शुभ कर्म करो भगवान वो नहीं राजी रहोगे तो डरने की जरूरत नहीं इसलिए नू ना कागरो भगवान से डरो पूरे कर्मों से डरो परमात्मा की गोद में अपने आप खेलोगे तुम। नंबर तीन पर कैसे लिखा सबसे हाथ उड़की विनती बेबे नुका करे सदा चलता रहेगा बंदे सुखते सांस नहीं एक आगे न कदम धरे दूजे की आस नहीं इस जीवन का कोई भरोसा नहीं बेबे आज मैं जीव हूं केवरा कह दिन की जिंदगी है मनमाना जीव तो भगवान इसी कृपा कर दे 100 साल से ही जिए जा और सांस से थोड़े हो तो तड़के का भी भरोसा नहीं एक पल का भी भरोसा नहीं
घने रम दनाओगे जाओगे न्यू गंदे बजाते रहेंगे, आता है इंसान चला जाता है। मैं रहूं ना रहूं लेकिन हाजुर की विनती करना चाहता हूं, जितनी बहन मन देखने लग रही बेबे इन बोला ने अपने चित्त में जरूर धरियो जो बात मैंने इसमें बताई। मैं कोई ज्यादा बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, इसी समाज का एक बेटा हूं, अभी थारा भाई हूं। जो मैंने बात इसमें कही है बस इन पर ध्यान देना यही कहना चाहता हूं। कैसे बड़ा